रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी उमर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि जी आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। जी हमारे ट्रांजैक्शन का जो होमवर्किंग का काम था वो हमने स्टॉप कर दिया था, आज वो शुरू है और तकरीबन 2 दिन से शुरू है। तो आज आपके साथ वीडियो शेयर करने लगे हैं कि कहाँ तक पहुँच गया जी हमारा काम। और गाइज यहाँ पर ये सीमेंट बनाए हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखो ये वाला प्लास्टर के लिए, ठीक है जी, ये वाली जगह पर। और ये वाली मुकम्मल हो गई, ये आप देख रहे हो, ये देखो ये फ्रंट सारा मुकम्मल हो गया इसका माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और जी प्लास्टर जो थे हम करवा रहे थे, रोक दिया था। तो इस तरह सबसे पहले सीमेंट बना लेना, सीमेंट बनाने के बाद जी ये स्टाइल है डॉक्टर साहब को, ये डॉक्टर नहीं है ना, मिस्त्री भी डॉक्टर होते हैं जो मकान बनाने वाले, ये डॉक्टर साहब का स्टाइल है। उसके बाद फिर सीमेंट लगाने के बाद कांडी के साथ इसको यो सारा फैला देना है, ठीक है जी, जिस तरह ये फैला रहे हैं इसी तरह इसको मुकम्मली तौर पर ऐसे ज़ोर तो लग रहा है ना काफ़ी, तो डॉक्टर साहब भी हंस रहे हैं, काफ़ी ज़ोर लग रहा है। इसी तरह इसको सारा के सारा यूँ हमने फैला दिए पहले। और ये मैं जी लगा रहा हूँ थोड़ा सा उस जगह पे, ये इस जगह पे ना थोड़ी सी जगह मुझे मालूम हो रही थी भी इस जगह पे ज़रूरत है लगाने की, तो इस जगह पे मैंने ये सीमेंट लगा दी है। तो ये अभी इस तरह सारा के सारा लगा दिए और ये सीमेंट थोड़ा सा बच गया और ऊपर वाला हिस्सा था ये, इधर वाला हिस्सा ये मुकम्मल हो गया और बाकी परली साइड भी सारी की सारी ये अभी मुकम्मल हो गई, ऊपर वाली साइड मुकम्मल हो गया सारी। बंदा एक साथ दो काम भी नहीं कर सकता, मिस्त्री भी लगा हुआ साथ में, वाशिंग मशीन भी लगा ली और पानी निकल निकल के सारा जो सरफ था ना वो बाहर गिर रहा है, ये देखो। और इसी तरह मैं इसको अभी फ़िलहाल बंद ही कर देता हूँ ताकि ये सुकून कर ले। और जो हमने कांडी के साथ जी सीमेंट लगाया था, फट्टी के साथ इसको लेज़र करना है और फट्टी के साथ उस्ताद जो है जी ये सीमेंट को उतारेंगे जो वाफर सीमेंट है, और इसको थोड़ा सा बराबर करेंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर जो भी कारीगिरी करनी होगी वो करनी है। तो अभी ये मेरे ख्याल से 3-4 का मिसाल है, पता नहीं 3-1 है, जिस तरह भी बना रहे हैं। तो मिसाला बना लेना सबसे पहले सीमेंट का पक्का, ठीक है जी। उसके बाद दीवार पे दीवार को अच्छी तरह ट्राई करना है, उसके बाद जी थपक 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 अपनी कारीगर दिखानी है वो लगाना, उसके बाद कांडी के साथ बराबर करना है, पट्टी लेनी है, पट्टी के साथ जी इसका लेवल करना है जिस तरह ये लेवल कर रहे हैं, इसी तरह मुकम्मल तौर पर जी ऊपर नीचे से चारों तरफ लेवल कर लेना है ताकि सीमेंट है ना जी जो ज़ाया ना हो, जो बचत वाला सीमेंट हो ना वो बच जाए। इसी तरह ये देख रहे हैं, इसी तरह ये सीमेंट सारे के सारे हम उतार लेंगे ताकि सीमेंट भी बच जाए और थोड़ा सीमेंट है जो अपना क्या नाम इस्तेमाल हो और अपना क्या नाम पैसे भी बचे, वक्त भी बचे और खर्च कम खर्चा हो। ये फिलहाल अभी उतारने लगे हैं सारे के सारा, सारे का सारा नहीं उतार लेना, पहले काफ़ी मोटा मोटा लगाया ना, फिर इसको अब उतारने लगी है, उसके लेवल बराबर करना है, इसके सारे के सारे का लेवल बराबर कर देने, इसी तरह उतारते जाना है। तो अब देखो काफ़ी कुछ खूबसूरती आ गई है पहले से ज़्यादा। जी सेट ठीक है भाई, में फेरने नहीं होता क्या पता है, थोड़ा काम ताको साजे इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें
और ये जगह थी ना ये जल गई है। पानी डाल के थोड़ा सा पतला करके अब इस पर लगा रहे हैं दोबारा। ये तरीका आप देख ले, ये तरीका कार है जिसका, जिस जगह पे प्लास्टर नहीं हो रहा था ना, जगह सूख गई थी उसका, ये तरीका कार है उसको दोबारा तर करके और दोबारा उसके ऊपर गणमाला यानी कि डाल दें। पट्टी के साथ अब इसको बराबर कर लेना है, ये देखो कांडी के साथ पहले इसको सीधा कर लेना। अब पट्टी के साथ इसको बराबर कर लेना है इस तरह जी, ये लो। ये देखो ठीक हो गया। अब जल्दी से इसके ऊपर गिड़माला लगा देना ताकि फिर खुश्क ना हो जाए। अब ये जगह तो थी ना बिल्कुल, क्या हो रही है जी, साथ सेम हो गई है। पहले इसके ऊपर चल नहीं रही थी ये गणमाली मशीन, अब इसके ऊपर चल रही है। ये देखो जी ठीक हो गया, ये देखो अब ऐसे ही होगी बिल्कुल, ये देखो। और जी गाइस माशाल्लाह से फ्रंट साइड थी जो वो 3 दिन लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से जाके मुकम्मल हो गई। अब अंदर वाली साइड करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।